हेलो दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड किया था। जो दोस्तों ये फ़ोटो है, इसका मैंने एडिट करने के बाद का फ़ोटो पोस्ट किया था, जो कुछ इस तरह का इफेक्टिंग था एंड बहुत ही ऑसम लग रहा था ये इफेक्टिंग। एंड देख सकते हो ये फ़ोटो कितना बेस्ट लग रहा है। ओरिजिनल फ़ोटो बिल्कुल भी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, बट एडिट करने के बाद का जो इसका लुक है, देख सकते हो कितना ऑसम एंड लाजवाब लग रहा है। सो दोस्तों, इसलिए इस एडिटिंग ट्यूटोरियल को मैं लेकर आया हूँ। ये इफेक्टिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया कि कैसे एडिटिंग आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अब तक आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े नहीं हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड चलते हैं दोस्तों, हम ये मेरा जो ओरिजिनल फोटो है उसको हम शेयर कर लेते हैं लाइट रूम में एंड स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो फोटो है ओरिजिनल फोटो उसको मैंने शेयर कर लिया है लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो दोस्तों, जो सबसे पहले आपका स्टेप होगा, सबसे पहले आपको इस ब्राइटनेस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड जो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों, इसमें आपको अपने फ़ोटो को एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में हल्का सा लाइट है, तो जो इसका एक्सपोजर उसको हम हल्का सा -2 पे कर देते हैं, सॉरी दोस्तों इसको हम -10 पे कर देते हैं। एंड उसके बाद जो दोस्तों इसका सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में इसका जो कंट्रास्ट है उसको हम इंक्रीज करके 22 कर देते हैं। एंड इसका जो हाईलाइट है दोस्तों, इसको हम 50+ कर लेते हैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग, बट इसको मैंने 54 कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, जो इसका शैडो है, शैडो को हम करते हैं -60 के आसपास, मतलब 15+ आप लोग कर लेना, बट फिलहाल मैं इसको 16 कर लिया हूँ। एंड इसका जो वाइट है दोस्तों, इसको हम बढ़ा के कर लेंगे 13 के आसपास। आप लोग 13+ भी कर सकते हो एंड माइनस भी कर सकते हो, आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। एंड इसका दोस्तों जो ब्लैक है, इसको हम हल्का सा माइनस कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों इसको 10+ कर लेते हैं, बट फिलहाल मैं इसको 12 कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसका जो वाइब्रेंस है इसको आपको बढ़ा के 20+ करना है। इसका जो सेचुरेशन होता है वो बढ़ जाता है एंड इसको मैं फ़िलहाल 22 कर लिया हूँ। एंड इसका जो सेचुरेशन है दोस्तों, इसको आपको -8 के आसपास रख लेना है। ये स्टेप करने के बाद दोस्तों आप आओगे मिक्स वाले ऑप्शन पे। मिक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, जो इसका ह्यू है इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है पहले टोन का। इसका जो सेचुरेशन है आप इसको बढ़ा के 24 के आसपास कर दोगे, जैसे कि मैं 24 कर लिया हूँ। एंड इसका जो लूमिनस है आप इसको बढ़ा के 16 के आसपास कर दोगे, 15+, बट फिलहाल मैं इसको 16 कर लिया हूँ। उसके बाद आप आओगे सेकेंड टोन पे। सेकेंड टोन में आपको क्या करना है, इसका जो सेचुरेशन है इसको आपको -8 पे कर देना है। एंड इसका जो लूमिनस है दोस्तों, इसको आपको बढ़ा के 22 कर देना है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आना है। थर्ड स्टेप का जो सेचुरेशन एंड ह्यू है दोस्तों, इसको -100 पे रखना है। सेचुरेशन को भी -100 एंड ह्यू को भी -100 में आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका बचता है ग्रीन वाला। ग्रीन टोन का जो इसका सेचुरेशन है दोस्तों, इसको आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है, 13+ कर लेना है। एंड इसका जो ह्यू है दोस्तों, आप इसको -100 कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका स्काई ब्लू बचता है, तो स्काई ब्लू का जो ह्यू है इसको आप -100 में कर दोगे। एंड उसके बाद जो आपको ब्लू टोन बचता है, ब्लू टोन का भी सेचुरेशन आप -100 में कर दोगे। एंड इसका जो ह्यू है दोस्तों, आप इसको माइनस करके 20 या 30 के आसपास रख सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको 13 कर लिया हूँ। एंड उसके बाद आता है आपका सेकेंड लास्ट स्टेप, पर्पल कलर। इसका जो सेचुरेशन है दोस्तों, आप इसको -28 के आसपास कर लोगे, मतलब 20+ आप 25+ आप लोग कर लेना, बट फिलहाल मैं इसको 28 कर लेता हूँ। एंड इसका जो लूमिनस है दोस्तों, आपको इसको भी 25+ कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको 26 कर लिया है। एंड दोस्तों लास्ट स्टेप, जो लास्ट टोन है इसका, इसको आपको क्या करना है, इसका जो सिचुएशन है आपको इसको 14 के आसपास कर लेना है। एंड इसका जो लूमिनस है इसको आपको बढ़ाकर 20+ कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसको 20+ कर लिया हूँ, मतलब 24 कर लिया हूँ। उसके बाद आपका आता है दोस्तों थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको फ़ोटो को हल्का सा एडजस्ट करना होता है। इसमें आपको क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा के कर देना है 15+, बट फिलहाल मैं इसको 16 कर लिया हूँ। एंड उसके बाद आपका है डैनिश। इसको डैनिश को आपको बढ़ा के हल्का सा 4 कर लेना है। उसके बाद विगनेट, जो आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको हमेशा एडजस्ट करना होता है, सॉरी दोस्तों विगनेट जो है आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना होता है, बट फिलहाल मैं अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको -12 कर लेता हूँ, कि मतलब ज़्यादा ना भद्दा फ़ोटो लगे ना ज़्यादा अच्छा लिखे, मतलब नॉर्मल में मैंने इसको कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप, जो मैं हर फोटो में करता हूँ, फ़ोटो पे शार्पिंग लाने के लिए आप शार्पिंग इंक्रीज कर दोगे, हमेशा आप इसको 13+ रखोगे। मास्किंग को हल्का सा इंक्रीज करके 2 पे रखोगे। एंड नॉइज़ रिडक्शन हमेशा 20+ रखते हैं। एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हमेशा हम 20+ रखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका स्टेप जो बचता है वो होता है कर्व वाला। तो हम इस पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ब्राइटनेस वाले, एंड ऊपर से हम यूज करते हैं कर्व।
कर्व में दोस्तों आपके फेस पे हल्का सा जो मेरे फेस पे लाइट है उसको हम हल्का सा कम करने के लिए ये लाइटिंग यूज करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसको मैं हल्का सा यहाँ से ऐसे माइनस कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको हम हल्का सा इंक्रीज करके यहाँ से 20 से हल्का सा इसको हम माइनस करते हैं। ओके दोस्तों, आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना, बट मैं बस नॉर्मल अभी ये यूज़ किया हूँ एंड ये जो मैं किया हूँ कर्व यहाँ से इसको डन करते हैं, इसमें बस वाइट टोन यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका स्टेप बचता है आप यूज करोगे प्रोफाइल्स वाले ऑप्शंस। प्रोफाइल्स में दोस्तों आपको जो आर्टिस्ट एड दिखेगा ये वाला जो है प्रोफाइल, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके फ़ोटो पे वो इफेक्ट आ जाएगा जो आप लोगों ने फ्रंट देखा था मेरे इंस्टाग्राम पे एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो दोस्तों ये स्टेप जब आप प्रोफाइल में आपके आ जाएगा, मतलब फ़ोटो पे ये इफेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आपको इसको डन कर दोगे एंड यहाँ से आप अपने गैलरी में इसको सेव कर लोगे। तो दोस्तों फाइनली आपका फ़ोटो ये एडिट हो चुका है एंड आई होप कि दोस्तों आप लोगों को एडिटिंग पसंद आया हो। दोस्तों अगर एडिटिंग पसंद आया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर सोशल मीडिया पे जुड़े नहीं हो तो सोशल मीडिया पे आप मुझे ऐड हो जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।